जेडी यू में सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन है, कोई वैचारिक स्तर पे है नहीं, अलग अलग इशू पे अलग अलग बात करते ही है लोग। और उसके बाद इन लोगों की हालत देख लीजिए, एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं और फिर भी सत्ता है तो मजबूरी भी एक जगह बैठना भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर इशू पे एक बड़ा बयान दिया, वो बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो नीतीश कुमार सरकार को कटघरे में खड़ा करना, प्रधानमंत्री क्या अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? क्योंकि पिछले 14 साल पांच बार लगभग 12 साल भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, अभी भी बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री है चंद्रमोहन राय, प्रेम कुमार, अश्विनी चौबे, नंद किशोर यादव और ये मंगल पांडे, तो पांच पांच हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी का रहा है। और मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की हर साल मौत होती है, बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग ज्यादा है, डॉक्टर कम है, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते? बार बार जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, नेता विरोधी दल कहाँ है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का नहीं है, विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को जगाने का है। पहले तो हर चीज पे ट्वीट करते थे, एक मर्डर हो जाए ट्वीट करते थे, अब कहाँ है वो? आप राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से संबंध में बात करें सर, नहीं आप कर रहे हैं। एक चीज और है, धारा 370 को लेकर सुशील मोदी नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं, धारा 370 को लेकर समर्थन करें, तो क्या लगता है कि और बार बार ये भी कह रहे हैं कि मैंडेट हम लोग को जो मिला है वो धारा 370 को लेकर? धारा 370 पर कोई मैंडेट नहीं मिला है बीजेपी को, तो इनफैक्ट बिहार में कोई मैंडेट मिला ही नहीं है, मैंडेट तो बीजेपी के खिलाफ मिला है और ये सरकार ही अवैध सरकार है। ये जो नीतीश जी बोलते रहते हैं ना कि ये साथ हमारा महात्मा गांधी का जो पाठ है उसमें पहला है अवसरवादी राजनीति जो है वो सामाजिक पाप है, ये बिहार की सरकार ही सामाजिक पाप की पहली उदाहरण है। बीजेपी के खिलाफ वोट मिला, ये सत्ता में कैसे बीजेपी वाले बैठे हैं? 370 का तो बात ही नहीं आएगा, 370 तो बाद की चीज है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट हम लोग को मिला है वो धारा 370 हटाने के लिए, लोकसभा चुनाव का मैंडेट उनके झूठ को मिला है, ईवीएम को मिला है और पुलवामा के नाम पर जो नकली राष्ट्रभक्ति देश में उन्होंने प्रचारित किया। सवाल ये है कि बीजेपी सुशील मोदी कह रहे हैं कि 370 खत्म होना चाहिए, लोगों को समर्थन करना चाहिए, जदयू कह रही है कि हम ऐसे गठबंधन को क्या कहें? यही तो अवसरवादी गठबंधन है, इतने बड़े पैमाने पर वैचारिक मतभेद है फिर भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ मिलकर सरकार क्यों चला रहे? नीतीश जी कहते रहते हैं कि 370 पर हमारा अलग स्टैंड है, राम मंदिर पर अलग स्टैंड है, ट्रिपल तलाक पर अलग स्टैंड है, लेकिन हम रहेंगे बीजेपी के साथ। एक सवाल और है, 14 साल पहले के लालू राबड़ी शासनकाल का स्वास्थ्य सेवाओं पर दुहाई देना क्या लगता है आपको? आज के डेट में मुजफ्फरपुर में जो मौत हो रही है पिछले 5-7 वर्षों में 8 वर्षों में जो बढ़ी है, इस समय बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर बिहार में था, आज ही बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर है, तो जवाब नहीं किसकी है? बीजेपी कहीं न कहीं बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त किया है, खराब किया है और अपनी जवाबदेही से बीजेपी भी नहीं बच सकती। जितनी जवाबदेही नीतीश कुमार की है उतनी बीजेपी की भी है बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए।